दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट मनी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ जो ये कहता है कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली जिसका मतलब है कि अमीर तो सब बनना चाहते हैं लेकिन कोई भी धीमे धीमे स्लोली अमीर नहीं बनना चाहता है और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर कोई स्लोली धीमे धीमे पैसेंस के साथ धैर्य के साथ संयम के साथ अमीर नहीं बनना चाहता है तो उस आदमी के लिए जो जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहता है वही सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से बर्बाद होता है और दोस्तों इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए अगर आपके अंदर संयम नहीं है पेशेंस नहीं नहीं है नहीं है धैर्य तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली ट्रैप्ड हो सकते हैं और जल्द अमीर बनने के चक्कर में आप जल्दी ही बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकते हैं इवन आपने जो भी कमाया होगा वो सब कुछ आप गंवा सकते हैं और ऐसा मैं नहीं बल्कि जो हिस्ट्री है जो इतिहास है वो हमें बताता है कि अक्सर अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग भी आपको आर्थिक रूप से बर्बाद मिलते हैं तो अगर उनके जीवन को आप स्टडी करें समझें तो आप देखेंगे कि उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई न कोई एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था और वहाँ पे वो पूरी तरह से फेल हुए और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए वे वहाँ पे बहुत जल्द कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे और उस बहुत जल्द के चक्कर में बहुत जल्द बड़ा हासिल करने के चक्कर में उन्होंने वो सब कुछ गंवा दिया जो ऑलरेडी उनके पास था जो उन्होंने सालों से मेहनत करके कुछ बनाया था चाहे वो बिज़नेस की बात हो चाहे वो उनकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की बात हो लेकिन ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा लाभ के चक्कर में उन्होंने वो सब कुछ गंवा दिया आप देखेंगे कि इसी मनी साइकोलॉजी के अनुसार ही ज्यादातर स्कैम होते हैं जी हाँ जो कि गेट रिच क्विक स्कैम के नाम से जाना जाता है क्योंकि कुछ साइकोलॉजी एक्सपर्ट लोग ये जानते हैं कि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और इसीलिए ये स्कैमर ये स्मार्ट लोग यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम लाते हैं जिसमें कि लोगों को ये बताया जाता है कि आपका जो पैसा है वो इतनी जल्दी डबल हो जाएगा जैसे आपने हेराफेरी में देखा होगा कि इक्कीस में पैसा डबल ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपने पैसे को फटाफट बढ़ाकर जल्द से जल्द बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं

कि क्यों लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बर्बाद हुए तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो लालच था कि वो जल्द से जल्द बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते थे और इसलिए उनके पास जो कुछ भी था चाहे वो पैसे की बात हो या जो भी हो उनके पास उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और वहां पर जब वो फेल हुए तो बुरी तरीके से फेल होकर वो सब कुछ गंवा दिया जो उनके पास था और बाद में वो कर्ज में डूब गए तो यहाँ पे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आप ये गलती ना करें आप ये मिस्टेक ना करें आप इस साइकोलॉजी में ना फंसे कि आपको भी जल्द से जल्द अमीर बनना है और इसके लिए आप बड़ा और बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं जी हाँ ये गलती ना करें आप रिस्क उतना ही लें जितनी आपकी हैसियत हो जितनी आपकी औकात हो जितना आप सहने के लिए तैयार हो जो नुकसान होने से आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए और पेशेंस के साथ में संयम के साथ में सेल्फ कंट्रोल के साथ में डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अमीर ने का सोचते हैं लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि आपको कौन सी जल्दी है अमीर बनने की अगर आप समय समय देते हैं अमीर बनने के लिए तो यहां पे धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो रेडी हो जाएगा और आप लॉन्ग टर्म में बड़े अमीर बन सकते हैं अमीर बनना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो संयम वो गुण है कि नहीं अमीर बनने का अगर वो गुण ही नहीं होगा संयम ही नहीं होगा आप मनी मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे आप यहां पर समय ही नहीं देंगे पैसे बनाने के लिए तो आपने किसी किसी स्कीम में फंस जाएंगे और किसी दूसरे की स्कीम में फंस अपना सारा पैसा आप गुल लूज कर देंगे गवा देंगे तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका प्लान क्या कहता है आप कैसा सोचते हैं क्या आप भी बहुत जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या फिर आपके अंदर पेशेंस है और आप वेट कर सकते हैं अमीर बनने के लिए अगर आपका जो भी विचार हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद